दोस्तों टाटा मोटर्स ने ईवी के मामले में हर एक मार्केट कवर कर रखा है, चाहे आप हैचबैक की बात कर लो, आप सेडान की बात कर लो, आप एसयूवी की बात कर लो, या फिर आप कूपे की बात कर लो। आप देखते हो टियागो ईवी अवेलेबल है, टिगोर ईवी अवेलेबल है, नेक्सॉन अवेलेबल है और कर्व भी अवेलेबल है। और अगर आप माइक्रो एसयूवी की बात करोगे तो आपके पास पंच ईवी भी अवेलेबल है। पर कई जगहों पर ये खुद के लिए ही कॉम्पिटिशन पैदा करती है, जैसे कि नेक्सॉन ईवी की बात करोगे कर्व का एक कॉम्पिटिशन हो सकता है, आज उसी बारे में हम बात करेंगे। वैसे कॉस्ट के मामले में देखें तो नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। नेक्सॉन ईवी शुरू होती है लगभग 13.5 लाख रुपए से और जाती है 18.5 लाख रुपए के ऑन रोड प्राइस तक। और अगर आप कर्व ईवी की बात करोगे तो ये 18.5 लाख रुपए से शुरू होती है और लगभग 21.5 लाख 22.5 लाख रुपए तक जाती है। तो आपने देखा होगा कि भाई जब नेक्सॉन ईवी मैक्स वगैरह आई थी तभी काफी ज्यादा प्राइस में बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन अभी काफी हद तक ये लेवल पर आई है और इजीली लोग इन्हें ले सकते हैं। अब कर्व ईवी और नेक्सॉन ईवी एक दूसरे की कॉम्पिटिशन होती है तब जब नेक्सॉन ईवी का टॉप एंड वेरियंट यानी कि एम्पावर्ड प्लस वेरियंट आप ले सकते हो 18.5 लाख के प्राइस में, और उसी प्राइस पर आपको कर्व ईवी का बेस वेरियंट मिलता है। यहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है कि भाई मैं अगर 18-19 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं तो कौन सी गाड़ी पर देना चाहिए। तो इस कंपैरिजन में हम यही देखेंगे कि कर्व आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी या नेक्सॉन अच्छी होगी। इवन अगर आप इससे सेकंड टॉप वेरिएंट ले रहे हैं तो क्या आपको 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाकर कर्व की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं देख रहा था मैंने देखा कि भाई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और कर्व की तरफ जाना मुझे ज्यादा सही लग रहा था। बट आपको जरूर देखना है कि कौन से फीचर्स आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट लेंगे हम नेक्सॉन का, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, इसका प्राइस होता है 18,26,000 रुपए ऑन रोड अगर आप मैं पुणे की बात करूं तो। और वहीं कर्व का लेंगे हम क्रिएटिव 45 वेरिएंट, जो कि इसका बेसिक वेरिएंट है 18,57,000 रुपए में। सबसे पहले लुक्स की बात कर लेते तो आपने दोनों ही गाड़ियां देखी होगी, फ्रंट में आपको दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट सिमिलर सी लगने वाली, चाहे वो लाइटिंग की आप बात कर लो, एलईडी डीआरएल्स आपको देखने मिल जाते हैं, फेंडर भी लगभग सिमिलर सा है, दोनों का हुड भी लगभग सिमिलर से है। पीछे से गाड़ी थोड़ा सा अलग चीज बनाती है कि भाई पीछे एक में आपको डिक्की अलग से मिल जाती है, एक में नहीं मिलती है। नेक्सॉन एसयूवी लुक प्रोवाइड करती है पूरा, लेकिन कर्व आपको कूपे लुक प्रोवाइड करती है विद अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले डायमेंशंस देख लेते हैं। डायमेंशंस में जैसे ही मैं लेंथ की बात करूंगा आप समझ जाएंगे कि क्यों कर्व इतनी ज्यादा महंगी है। 3994 mm का लेंथ है नेक्सॉन का, जबकि कर्व का है 4310 mm। इसका मतलब है कि 4 मीटर से ज्यादा बड़ी हो गई तो टैक्सेस वहां पर थोड़े ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन अगर विड्थ की बात करोगे तो दोनों की विड्थ सेम है, हाइट के मामले में कर्व भी थोड़ी सी ज्यादा ऊंची है। वैसे व्हील बेस भी जान लीजिए तो व्हील बेस के मामले में 2498 mm का व्हील बेस आपको नेक्सॉन का मिलता है और 2560 mm का व्हील बेस आपको कर्व के अंदर मिलता है, जो कि शायद जरूरी भी है क्योंकि वो थोड़ी सी ज्यादा लंबी गाड़ी है। वहीं पर अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। पर अगर बात करें टॉप एंड वेरिएंट ऑफ कर्व की तो वहां पर 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। तो अब ये बात नहीं है कि दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस सिमिलर है नेक्सॉन और कर्व का, इसका मतलब है कि दोनों सेम ही रास्तों पर आराम से चल पाएगी। नेक्सॉन यहां पर ज्यादा अच्छा फायदा आपको दे पाएगी क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ इसका व्हील बेस थोड़ा सा कम है। अगर व्हील बेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो ग्राउंड क्लियरेंस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम यूजफुल हो जाता है क्योंकि दोनों टायर्स की दूरी ज्यादा होती है। एक्स्ट्रा व्हील बेस के साथ साथ आपको एक अलग पूरी की पूरी डिक्की मिल जाती है जिसमें 500 लीटर तक की चीजें आप रख पाओगे कर्व के अंदर, जबकि 350 लीटर तक की डिक्की आपको मिलती है नेक्सॉन के अंदर। अब यहां पर फिर से वही सेडान और हैचबैक वाला फॉर्मूला आता है कि भाई जब आप एक हैचबैक में ज्यादा चीजें रखना चाहते हो और ज्यादा बड़ा आपको बूट स्पेस मिलता है तो उसमें आपको वर्टिकल स्पेस ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर कर्व की बात करोगे तो यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल स्पेस ज्यादा मिलेगा, मतलब बैग वगैरह ज्यादा अच्छे से आप रख पाएंगे। खैर हम बढ़ते हैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ की, देखते हैं कि भाई दोनों गाड़ियां कितना माइलेज दे पाएंगी और कितना चार्ज करना पड़ेगा, कितना ज्यादा स्पीड अच्छा मिल पाएगा। तो दोनों के अंदर आपको 45 kWh की बैटरी लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है। दोनों गाड़ियों में बैटरी सिमिलर है, मोटर आपको PM SM ही मिलने वाली है। दोनों में सामने की तरफ मोटर लगी होगी, मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव है दोनों गाड़ियां, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको टॉर्क में पावर में डिफरेंस देखने मिलेगा। टॉर्क वैसे दोनों 215 Nm का ही बनाती है, लेकिन जो पावर है वो आउटपुट आपको नेक्सॉन में 143 BHP मिलता है और कर्व के अंदर 148 BHP मिलता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन वो चलाने में भी आपको थोड़ा पता चल सकता है। अगर आप कर्व के टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाते हो तो वहां पर आपको 55 kWh की बैटरी मिलेगी, जो कि थोड़ा ज्यादा रेंज आपको प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन उसकी खास बात यह है कि वो 70 kW के चार्जर से भी चार्ज हो सकती है। जबकि AC फास्ट चार्जिंग अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो लगभग 6.5 घंटे लेगी और AC रेगुलर चार्जिंग अगर आप कर रहे हो तो लगभग 17 घंटे तक का समय इनको लगता है फुल चार्ज होने के लिए। अब बात कर लेता हूं रेंज की, तो भाई टाटा ने बोला था कि 489 किलोमीटर जो है नेक्सॉन अपने 45 kWh की बैटरी के साथ रेंज प्रोवाइड कर सकती है, 489 किलोमीटर। अगर कर्व की बात करो तो टाटा ने बोला है 502 किलोमीटर। पर जब रियल लाइफ की बात की जाती है तो मैंने भी काफी सारे वीडियोस देखे कि मैं रेंज टेस्ट नहीं कर पाया तो मुझे पता चला, और बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट्स पड़े, पता चला कि भाई ये 300-350 तक मैक्सिमम जा सकती हैं दोनों ही गाड़ियां। कर्व में थोड़ा सा रेंज आपको ज्यादा मिल जाता है, लेकिन 350 से ऊपर आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए इनसे। उसमें भी मोड्स आ जाते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स मोड दोनों गाड़ियों के अंदर दिए हैं। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो तो आपको पता है रीजन कम होने वाला है, वहां पर ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है तो रेंज और कम हो जाएगी। अगर इको मोड पर चल रहे हो तो फिर काफी ज्यादा हद तक आप गाड़ी को लंबा खींच सकेंगे।
बात करें कि भाई कंफर्ट कैसा है आपके लिए, तो भाई सबसे पहले सस्पेंशन की बात करूँ, काफ़ी स्मूथ सस्पेंशन है। आप अगर दोनों ही गाड़ियों को देखेंगे बहुत ही लाइट सस्पेंशन है, काफ़ी ज़्यादा आराम आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। छोटे मोटे धक्के क्या, बड़े बड़े धक्के भी आपको ज़्यादा फील नहीं होंगे। गाड़ी के अंदर चारों ब्रेक जो है डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अगर आप टर्निंग रेडियस की बात करोगे तो नेक्सॉन की ऑब्वियसली कम है, 5.3 मीटर की है, जबकि 5.35 मीटर की आपको कर्व की मिलती है। अब ये जो आपने 0.5 का डिफरेंस देखा, ये मुझे काफ़ी कम लगा है कर्व की लेंथ के हिसाब से। 2560 mm का व्हील बेस देने के बाद भी काफी अच्छे से टर्निंग रेडियस को यहाँ पर अच्छा रखा गया है। एक और खास बात, अगर आप नेक्सॉन ले रहे हो तो आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे ऑब्वियसली, जिसके ऊपर वो कैप लगा हुआ था। पता नहीं क्या कारण है, बट टाटा हमेशा अपनी ईवी गाड़ियों अंदर थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक लगाकर देती है व्हील के ऊपर, जबकि आपको स्टील रिम्स मिलते हैं कर्व के बेस वेरियंट के अंदर, जो कि हम आज कंपेयर कर रहे हैं। पर व्हील्स की बात करेंगे तो 215/60 R16 के व्हील्स आपको नेक्सॉन में मिलते हैं, और अगर कर्व लेने जाओगे तो 215/60 R17 के स्टील रिम्स आपको मिलेंगे। टॉप एंड वेरिएंट में 18 हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रोफाइल कम हो जाता है, 18 इंच के व्हील हो जाते हैं, 215 mm की चौड़ाई होती है। और हाँ, अगर व्हील्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको पंचर रिपेयर किट दी जाती है। कंफर्ट में आगे आती है चीजें भाई, एसी तो आपको दोनों गाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, एयर प्यूरीफायर दोनों के अंदर लगा हुआ है, सिंगल जोन एसी है, पीछे की तरफ भी आपको वेंट्स मिल जाते हैं जो कि अच्छा काम करते हैं, काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। नेक्सॉन लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक एंटी ग्लेयर मिरर आपको मिल जाएगा, IRVM की बात कर रहा हूं। अगर कर्व लोगे तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा, छोटी सी चीज जो है आपको वहां पर क्लिक करनी पड़ेगी अगर आप रात में ड्राइविंग कर रहे हैं। 360 डिग्री कैमरा आपको नेक्सॉन दे देगी, और फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर आपको नेक्सॉन प्रोवाइड कर देगी। ये एक्स्ट्रा है कर्व के मुकाबले, कर्व के अंदर आपको रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर दोनों ही मिल जाते हैं, लेकिन 360 कैम नहीं मिल पाता है। अगर आपको 360 डिग्री कैमरा चाहिए तो आप टॉप एंड वेरिएंट के ऊपर जा सकते हैं। पर दोनों ही गाड़ियों में एक चीज मुझे अच्छी लगी कि क्रूज कंट्रोल दिया गया है, चाहे आप बेस वेरिएंट कर्व ले रहे हैं तो भी आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है लंबे सफर के लिए। इसके अलावा स्टीयरिंग के अंदर दोनों ही गाड़ियों में टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, चाहे आप टॉप एंड वेरिएंट ही कर्व क्यों ना ले लो या टॉप एंड वेरिएंट नेक्सॉन क्यों ना ले लो। ड्राइविंग सीट जो है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, और ड्राइविंग सीट में काफी ज्यादा ऑप्शन है, जैसे 8-way एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट दोनों गाड़ियों के अंदर मिल रही है। को ड्राइवर सीट को 6-way में एडजस्ट किया जा सकता है। कर्व के अंदर तो बेसिक वेरिएंट से ही अगर आप रियर सीट की बात करोगे तो 4-way एडजस्टमेंट मिलता है, मतलब आपके लिए बैकरेस्ट को टिल्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्सॉन में फीचर नहीं है, उसमें हेडरेस्ट बट एडजस्टेबल होंगे। कर्व के लिए टॉप एंड वेरिएंट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर 6-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलता है आपको ड्राइवर सीट के लिए, और को ड्राइवर को 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट दिया हुआ है। बाकी नेक्सॉन के अंदर आपको लेदरेट सीट्स मिल जाएगी, जबकि कर्व के अंदर आपको फैब्रिक सीट मिलेगी बेसिक वेरिएंट में। और हाँ, लेदरेट सीट के साथ साथ आपको नेक्सॉन के अंदर एक और फायदा मिलता है कि वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, वो भी कूलिंग के लिए। हीटिंग नहीं होगी बट कूलिंग हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल चीज है। साथ ही साथ नेक्सॉन के अंदर 60-40 स्प्लिट मिल जाता है रियर सीट के लिए, तो अगर आप बूट स्पेस बढ़ाना चाहते हो यहां पर कर पाओगे। कर्व के अंदर आपको ऑलरेडी 500 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, तो वहां पर 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता, लेकिन बेंच फोल्डिंग मिल जाती है। अब ड्राइवर की सहूलियत के लिए आपको आर्मरेस्ट जरूर दिया गया है, जिसके अंदर स्टोरेज भी आपको मिल जाता है नेक्सॉन के अंदर। कर्व में ये फीचर आपको अपर वेरिएंट में मिलेगा, बेस वेरिएंट में नहीं मिलता, तो जो लोग आर्मरेस्ट बहुत ज्यादा चाहिए जिनको, वो यहां पर नहीं जा सकते, फिर उनको आफ्टर मार्केट थोड़ा सा करवाना पड़ेगा। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो बता दूं भाई कि भाई वन टच अप एंड डाउन का फीचर आपको ड्राइवर साइड विंडो के लिए कर्व के अंदर मिल जाएगा बेसिक वेरिएंट में भी, जबकि नेक्सॉन के अंदर वन टच डाउन का फीचर नहीं है, वन टच अप का फीचर मिल जाता है। चारों पावर विंडो आपको मिल जाती है, एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं, लेकिन कर्व के अंदर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे उनको, जबकि ऑटो फोल्डिंग वाले ORVM आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं। रियर डिफॉगर और रियर वाइपर आपको नेक्सॉन में दिया गया है, कर्व के अंदर नहीं है। रियर डिफॉगर रहना चाहिए था, वाइपर तो मैं समझ सकता हूँ भाई, वो कूपे डिजाइन है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफॉगर से क्या लफड़ा था पता नहीं। और साथ ही रेन सेंसिंग वाइपर भी आपको दिए गए हैं नेक्सॉन के अंदर। अब सबसे जरूरी फीचर पर आते हैं, जो कि है सनरूफ। तो नेक्सॉन के इस वेरिएंट में आपको सनरूफ मिल जाता है, जबकि कर्व में इस वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो सीधा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, बहुत बड़ा सनरूफ मिलता है टॉप एंड वेरिएंट में। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए दोनों ही गाड़ियों में काफी बढ़िया चीज दी गई, हार्मन के साउंड सिस्टम आपको पता है लगे हुए हैं, तो दोनों में वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो जाता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले है, नेक्सॉन आपको इस वेरिएंट के लिए 12.5 इंच का दे देगी, 12.29 इंच का दे देगी, 7 इंच का टच स्क्रीन आपको मिलेगा टाटा कर्व ईवी के अंदर। नेक्सॉन में आपको 9 स्पीकर मिलेंगे, कर्व में आपको 6 स्पीकर मिलेंगे, और नेक्सॉन ईवी में तो JBL का आपको एक सबवूफर मिल जाएगा, तो वो एक आपको एक फायदे की बात हो जाएगी कि साउंड सिस्टम ज्यादा अच्छा है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वॉइस कमांड, GPS नेविगेशन, ऑक्स कंपैटिबिलिटी, USB कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीजें आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। तो चलिए अब चलते हैं उस तरफ कि भाई एक्स्ट्रा आपको इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या मिलेगा। तो अगर नेक्सॉन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 360 कैमरा मिल जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाता है, लेदरेट सीट्स मिल जाती है, ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट मिल जाता है, वेंटिलेटेड कूल सीट्स मिल जाती है, रियर आर्मरेस्ट मिल जाता है, 60-40 स्प्लिट मिल जाता है, कूल ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, ऑटो फोल्डिंग ORVM, रियर डिफॉगर वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर और सनरूफ मिल जाती है, और साथ में वायरलेस चार्जर एक एक्स्ट्रा चीज आपको दी जाती है नेक्सॉन के अंदर। वहीं अगर कर्व की बात करेंगे, बेसिक वेरिएंट है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलती, लेकिन रियर सीट बैकरेस्ट टिल्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है,
एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, ज्यादा कंफर्ट मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिसिंग क्या है, तो भाई टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग दोनों के अंदर मिसिंग है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स जो है मिसिंग है। तो अब बात करते हैं सेफ्टी की, लास्ट में रखा क्योंकि टाटा की हम बात कर रहे थे, तो आप सभी को पता ही है कि भाई दोनों गाड़ियां सेफ है, पर नेक्सॉन जो है ग्लोबल और भारत दोनों ही एनकैप में अच्छी रेटिंग यानी 5 स्टार रेटिंग लेकर के आई है। कर्व की बात करेंगे, भारत एनकैप ने इसको 5 स्टार से नवाज दिया है, लेकिन ग्लोबल एनकैप में कुछ पता नहीं है अभी तक। तो फीचर्स देख लेते हैं, तो भाई ये पंचर रिपेयर किट दोनों के अंदर आपको मिल जाती है, दोनों के अंदर 6-6 एयरबैग मिल जाते हैं, रियर मिडिल 3-पॉइंट सीट बेल्ट आपको दिया जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दोनों गाड़ियों में लगा हुआ है, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स मिल जाते हैं, सीट बेल्ट वार्निंग भी दी जाती है, साथ में ब्रेकिंग करेक्शन के लिए ABS EBD दोनों ही चीजें मिल जाती है, ब्रेक असिस्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा कर्व के अंदर जो कि नेक्सॉन ईवी में नहीं मिलता है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारे फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। तो ये है दोस्तों दोनों गाड़ियों में फर्क। अब आप सोच रहे होंगे भाई लेनी कौन सी चाहिए, तो मैं मेरा जो है ओपिनियन वो दे देता हूं कि जितनी भी चीज़ें मुझे कर्व में कम लगी है, नेक्सॉन में एक्स्ट्रा लगी हैं, वो सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट में फिट करवा सकता हूँ, चाहे वो वेंटिलेटेड सीट्स की बात हो या फिर मैं आर्मरेस्ट की बात करूँ या फिर एक्स्ट्रा स्पीकर की बात करूँ, वो सारी चीज़ें, लेकिन स्ट्रक्चर मेरा बड़ा नहीं हो सकता है, ज़्यादा अच्छी पावर ट्रेन मुझे मिल रही है, ज़्यादा अच्छा जो है रेंज मुझे मिल रहा है कर्व के अंदर, तो मैं कर्व की तरफ जाना प्रेफर करूँगा। आपकी क्या थिंकिंग है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, थैंक यू। अगर आप पुणे शहर के अंदर हैं और अपनी गाड़ी के साथ अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिटेल्स भी डाला है, वहाँ पर भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं।